आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ से। आज लगा हुआ था थोड़ा क्लीनिंग वाला काम, तो यहाँ पर आरव की सारी बुक्स वगैरह, पुरानी वगैरह मैंने सारी साइड कर दी है। यहाँ पे वो पढ़ रहा है और न्यू बुक्स के लिए, कॉपीज़ के लिए मैं जगह बना रही थी। इसको राइटिंग वर्क दे रखा था, हस्बैंड काम में लगे हुए हैं और देखिए मेरे को क्या फालतू काम मिला है। और मेरे को ये डब्बा मिल गया, बॉक्स सा मिल गया है, इसको मैं अच्छे से इस तरह से बनाऊँगी इसकी बुक्स वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों लगे हुए हैं बॉक्स को अच्छे से, मतलब पार्टीशन वगैरह देने बुक्स के लिए, कॉपीज़ के लिए, स्टेशनरी के लिए अलग अलग से। इसको मैंने अभी डेकोरेट भी करना था, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे गर्मा गर्म मसाला पिस चुका है, सब्जी बन रही है आलू की भंडारे वाली, जैसे भंडारे में खाई जाती है ना वो वाली। और यहाँ पर हम चल पड़े हैं अपने घर के लिए, तो आज वहीं का ब्लॉग रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का लव एंड आरती शर्मा फैमिली ब्लॉग्स में। और उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, हम भी ठीक हैं, थैंक यू सो मच। और आज हम फिर से अपने घर आ गए हैं क्योंकि अब हमें शिफ्ट करना है, तो बस काम वगैरह में लगे हुए हैं। तो वही वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज हमने क्या क्या किया, तो बने रहिएगा वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अच्छी वीडियोस मैं बना सकूं। और अभी तो एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं बहुत तो कम वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन बहुत कम कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली रोज़ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज मैं आपको बाहर का व्यू तो इतना नहीं दिखा रही हूँ, देखिए शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग बन रही थी पिछली बार, इतना सारा काम हो गया उसमें। और ये जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग है, इस पर इतना अच्छा काम किया हुआ है ना कि बहुत अच्छा लगता है देख के। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो मैं अभी देखो लाइटिंग नहीं है इतने खास, ये देखिए ये हमने डोर में कलर करवाया है। ये फुल फ्लेज वीडियो बनी हुई है कि किस टाइप का पेंट जो है आप डोर पे करवा सकते हो, वो सारी वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी थोड़े ही दिनों में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है अंदर। खुल जा शिम शिम। और ये डोर, अरे वाह, ये तो खुल ही नहीं रहा। चलो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, सुन रहे हो वीडियो बन रही है, हेलो बोलो सबको। हेलो, हेलो एवरीवन। यस यस, देख रहे हो आप, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है वीडियोस में है। तो कैमरा को फेस करने में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप लोग भी बताना। तो ये काम चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो क्या हो रहा है। नहीं आप बताओ ना, हमारे व्यूअर्स को बताओ, हमें तो पता है क्या हो रहा है, व्यूअर्स को बताओ क्या हो रहा है। पेंट किया जा रहा है ड्रॉअर को। अच्छा, ड्रॉअर्स को पेंट किया जा रहा है। ये वही ड्रॉअर है जो पिछली बार हमने वॉश किए थे, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। अब इसमें हम जो है ना, ये जो मतलब ऐसे बैक वाली साइड है ना, इस पर इस तरह से पेंट कर रहे हैं। फ्रंट साइड पे ना इस तरह के डिज़ाइंस हैं। लाइटिंग नहीं है एक्चुअली, मैं अपना ट्राइपॉड और लाइट्स वगैरह नहीं लेके आई है। देखिए इस पर ना बड़े अच्छे अच्छे से डिज़ाइन है, पर ये जो बैक साइड है वो थोड़ा बेकार हो रखी है, तो उसको हम जो है अच्छे से पेंट करके न्यू कर देंगे। और हम लोग ना यही कोशिश करते हैं कि जितना काम खुद से हो सके, मतलब देखो पेंट खुद से हो सकता है ना, तो हम लोग खुद से पेंट करने लगे हुए हैं। वॉशिंग वगैरह खुद से हो सकती थी, वो हम खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह जो है, जो मोपिंग स्वीपिंग वगैरह, मतलब पहले भी की और अभी होती ही रहती है जैसे, तो वो सब कुछ हम खुद कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो देखिए माहौल भी ठीक ही था, माहौल अब भी इतना ठीक नहीं है, पर हाँ बेटर है पहले से। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम जो है खुद से काम करें। और देखो पैसे बचाने वाली बात है, तो पैसे बिल्कुल बचाने चाहिए जहाँ पर हम लोगों से बचें। ये लैचेस वगैरह ये सब कुछ ना, मतलब शायद इस वाले का तो ठीक है, दूसरे दरवाजे का लैच जो है ख़राब था, तो लॉक भी ख़राब था, लैच भी ख़राब था, तो वो इन्होंने खुद से लगाया। रेंट पे था, तो आप समझ ही सकते हो ना, रेंट पे जब होता है घर तो फिर लोग अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये टूटा हुआ था, ऐसे ब्रेक हो रखा था, तो फिर इन्होंने क्या किया, ये सनमाइका आई थिंक बोलते हैं इसको, ये जो होता है वो ना सनमाइका होता है, तो ये सनमाइका लेके आए और इन्होंने ये पूरा का पूरी दोनों की दोनों लेयर्स जो है ना चेंज कर दिए। और देखो बिल्कुल अच्छी लग रही हैं,
बेशक डिज़ाइन नहीं बना पाए हम क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल काम हो जाता ना, लेकिन खुद से इन्होंने जो किया वो बहुत बढ़िया है ना। आप बताना आपको कैसा लगा। तो इसी तरह से हम अपने हाउस होल्ड वर्क्स में भी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं, बस ऐसे से ही हैं हम। तो पता नहीं, कुछ लोगों को तो अच्छे लग सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है सबको अच्छे लगे, लेकिन हाँ कुछ लोगों को अच्छे लग सकते हैं। तो जिनको अच्छे लगेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इस तरह से ये लगे हुए हैं काम करने, देखो मेहनत का पसीना, मेहनत का पसीना।